राजस्थान नहीं बल्कि विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे राघव परिणीति। इटली में राघव की दुल्हनिया बनेंगी परिणीति। दीपिका रणवीर और अनुष्का विराट की तरह इटली के लेक कोमो में राजनीति लेंगे सात फेरे। जी हाँ, 13 मई को दिल्ली के कपूरथला हाउस में सगाई के बाद अब खबर है कि राघव और परिणीति इटली में डेस्टिनेशन वेडिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीते दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि राघव और परिणीति झीलों की नगरी उदयपुर में शादी करने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा था कि कपल ने उदयपुर के ओबेरॉय उदय विलास रिजोर्ट को बुक कर लिया है, जिसके बाद फैंस ये कयास लगा रहे थे कि परिणीति की शादी भी उनकी बहन प्रियंका की तरह ही राजस्थान में बिल्कुल रॉयल अंदाज में होगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो खबर सामने आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि परिणीति अपनी बहन की तरह राजस्थान में नहीं बल्कि दीपिका रणवीर और अनुष्का विराट की तरह इटली में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाली हैं। दरअसल हुआ ये कि बीते दिनों परिणीति को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। इस दौरान वो ऑल ब्लैक लुक में काफी खूबसूरत नजर आई थी। जब परिणीति एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी तो उन्हें पैपराजी ने घेर लिया और उनसे शादी को लेकर सवाल पूछने लगे। एक पैपराजी ने कहा कि सगाई में नहीं आ पाए थे लेकिन शादी में जरूर आएंगे। ये सुनकर परिणीति मुस्कुराने लगी। इतने में ही एक पैपराजी ने परिणीति से ये कह दिया कि प्लीज इटली में शादी मत करना। ये सुनकर परिणीति बिना कुछ जवाब दिए ही हंसकर वहाँ से चली गई। हमें आना है आपकी शादी में। मैडम जी, अरे क्या सगाई में नहीं आ पाए थे, शादी में जरूर आएंगे, इटली में मत कर देना। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब फैंस यही कयास लगा रहे हैं कि राघव परिणीति भी अब इटली में ही शादी करेंगे। बता दें कि दीपिका रणवीर और अनुष्का विराट की शादी भी इटली के लेक कोमो में बड़े ही धूमधाम से हुई थी। इटली का लेक कोमो बॉलीवुड सेलेब्स के डेस्टिनेशन वेडिंग की हमेशा से ही सबसे पसंदीदा जगह रही है। ये रोमन काल से ही अमीर लोगों के बीच हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर रहा है। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत लेक में से एक कहा जाता है। रानी मुखर्जी ने भी आदित्य चोपड़ा संग यहीं सीक्रेट वेडिंग की थी। तो वहीं देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की बेटी की सगाई भी यहीं हुई थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राघव परिणीति भी इटली के लेक कोमो में सात फेरे ले सकते हैं। बता दें कि लेक कोमो इटली की तीसरी सबसे बड़ी लेक है। इसी लेक के ऊपर इस जगह का नाम भी रखा गया है। ये लेक 146 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। आपको बता दें कि ये लेक तकरीबन 1300 फीट गहरी है। ऐसा कहा जाता है कि ये यूरोप की सबसे गहरी लेक है। फिलहाल राघव परिणीति की तरफ से अब तक शादी और शादी के डेस्टिनेशन को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की शादी इस साल नवंबर में होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।